स्वागत है आप सभी का हेल्थ में। आप लोग वीडियो को रोज देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करते। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर किया करिए। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक शहर को जहाँ पर एक मिस्टीरियस बॉक्स की डील होने वाली होती है। वह डील करने आई होती हैं सेरेना मेनिकर, सेरेना मैनकर रोनाल्ड के लिए काम करती हैं और रोनाल्ड के कहने पर वो ये डील करने आई होती हैं। वह एक आदमी से उस पहली बॉक्स को खरीद लेती हैं और उसे बहुत सारा पैसा देकर वो बॉक्स वो रोनाल्ड के लिए ले जाती हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि वह आदमी उस बॉक्स को बेचकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जोए को, जिसे इनवाइट किया होता है रोनाल्ड ने अपने बंगले पर। जो यह सोचकर काफ़ी खुश होता है कि रोनाल्ड ने उसे अपने बंगले पर इनवाइट किया होता है। जोए बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इससे पहले वह इतने बड़े बंगले में कभी नहीं गया होता। पर जब जोए रोनाल्ड से मिलने के लिए बंगले के अंदर जाता है तो उससे वह पहली बॉक्स रखा हुआ दिखता है। वह पहली बॉक्स एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है। जो भी इस बॉक्स की पहेली को सुलझा लेगा उसे हेल के देवों का आशीर्वाद मिलेगा। यह सोचकर जो इस पहेली को सुलझाने लगता है और तभी वहां पर रोनाल्ड आ जाता है और वह जोए से कहता है कि अगर तुम इस पहेली को सुलझा लोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और जो इस बॉक्स को घुमाकर उस पहेली को सुलझाने में लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस बॉक्स से एक ब्लेड निकलती है जो कि जोए के लग जाती है और फिर हेल के डीमन आते हैं और जोए को अपने साथ ले जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में अब हमें दिखाया जाता है चार दोस्तों को जो कि एक ही रूम में साथ मिलकर रह रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मैट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि रैली उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा नशा करती है। इस वजह से मैट रैली के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। वह रैली को मना करता है कि तुम इतना नशा मत किया करो। फिर रैली गुस्सा होकर अपने दोस्त के यहाँ चली जाती है और वह फिर से नशा करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रैली और उसका दोस्त मिलकर एक चोरी के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वह रात में चोरी के लिए जाते हैं तो उन्हें एक कंटेनर दिखाई पड़ता है और इस कंटेनर में वो और उसका दोस्त जाते हैं तो उन्हें एक तिजोरी मिलती है। जब तिजोरी को तोड़ते हैं तो उन्हें वही मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। रैली उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और उन्हें कोई रुपये पैसे नहीं मिलते। यह देख कर रैली का दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। फिर रैली इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेकर घर आई होती है जिससे कि उसका भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो रैली को घर से निकाल लेता है। फिर रैली घर छोड़कर जा रही होती है तो वह उस बॉस को अपने साथ उठाकर ले जाती है। वह उस बॉस को एक पार्क में लेकर जाती है और पार्क में ले जाने के बाद वह उसकी पहेली को सॉल्व करने लगती है। लेकिन जैसे ही पहेली को सॉल्व करती है तो उसमें से एक रेजर निकलती है पर इस बार रैली का हाथ नहीं कटता है जिसकी वजह से रैली पर कोई खतरा नहीं होता है। और तभी आ जाने से डीमन धरती पर आ जाते हैं और रैली यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह ड्रग्स और ज़्यादा लेकर सोने लगती है लेकिन तभी डीमन उसके सपने में आता है और रैली से कहता है कि अगर तुमने अपनी जगह किसी और को सेक्रीफाइस नहीं किया तो तुम्हारी डेथ पक्का हो जाएगी। तब हमें दिखाया जाता है कि रैली भाई को एक ड्रीम आता है जिसमें कि उसे कुछ चैन पकड़कर खींचने लगती हैं। तभी अचानक मैट सपने से उठता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह रैली को लेने के लिए रोड पर जाता है और रैली को नशे की हालत मारकर उसे उठाकर लेके आने लगता है। तभी उस बॉक्स को जब वह छूता है तो बॉक्स से ब्लेड निकलती है और उसका हाथ कट जाता है। हाथ कटने की वजह से बॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा खून लग जाता है और हमें यह दिखाया जाता है कि बॉक्स उस खून को पी गया है। फिर मैट को लेने डीमंस आ जाते हैं और वह अपना हाथ टॉयलेट में जब धोने के लिए जाता है तो डीमंस वहां पर आते हैं और मैट के साथ काफ़ी अजीब होने लगता है। उसे डीमंस दिखाई पड़ते हैं और मैट जब जोर से चिल्लाता है तो रैली जल्दी से भाग कर अंदर आती है पर उसे मैट नहीं दिखता। इस वजह से वह रोने लगती है और जोर जोर से घुरा कर मैट मैट चिल्लाती है पर मैट कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। इस वजह से रैली मैट को ढूंढने की वजह से वह पुलिस वाले को कंप्लेन कर देती है और पुलिस वाले आते हैं और मैट को ढूंढने लगते हैं। फिर रैली अपने घर आती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मैट खो गया है क्योंकि उसे यह नहीं पता होता है कि मैट अब मर चुका है। वह मैट की तलाश में अपने दोस्त के पास जाती है और उससे मदद मांगती है और उससे कहती है कि जब से हमने वो बॉक्स चुराया है तब से हमारे साथ बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। हमें उस बॉक्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और बॉक्स की जानकारी के लिए वह स्टार्टिंग वाले एजेंट सेरेना से मिलने जाते हैं जो कि सबसे पहली डील एजेंट सेरेना ने की होती है। इसी वजह से सेरेना से जब वह रैली बात करती है तो एजेंट सेरेना उससे कहती है कि यह बॉक्स शराबित है और इस बॉक्स से तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहना चाहिए। तभी एजेंट सेरेना उस बॉक्स को फेंकने के लिए जैसे ही वह बॉक्स को उठाती हैं तो बॉक्स से ब्लेड निकलती है और एजेंट सेरेना के हाथ को भी काट देती है जिसकी वजह से एजेंट सेरेना को लेने भी डीमंस आ जाते हैं और डीमंस को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वह
अस्पताल में ही इधर उधर भागने लगती है और डीमन्स उसका पीछा करने लगते हैं। फिर एक डीमन आता है जो कि उसे सुई से भोंक देता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर सभी डीमन्स आते हैं और एजेंट जेना को चीर फाड़ करके उससे बॉडी वो के अलग अलग पार्ट कर उसे पृथ्वी से ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिले उस बॉस की जांच करने के लिए गूगल पर उस बॉस का नाम सर्च करती है और उसे उस कंपनी का नाम पता चलता है जिस कंपनी ने इस बॉस को सबसे पहली बार परचेस किया होता है। वह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रोलैंड की होती है। रोलैंड वही होता है जिसने एजेंट सेरेना को पहले बॉस के लिए भेजा होता है। फिर रोलैंड के घर पर रिले आती है और रिले उसके घर में घुसकर कुछ चीज़ें देखने लगती है और तभी उसे एक किताब मिलती है जिस किताब में उस मिस्टीरियस बॉक्स की सभी जानकारी होती है। वह उस किताब को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यह बॉक्स जब एक एक करके 7 आत्माओं को अपने साथ ले जाएगा तो अंत में वह बॉक्स सीधा नोक वाला बन जाएगा और जो भी इस बॉक्स के अंत में बॉक्स से कुछ भी मांगेगा तो उसकी इच्छा पूरी होगी। इसी कारण से रोलैंड ने उस बॉक्स को अपने पास मंगाया होता है। वह 7 लोगों को बलि देकर उससे कुछ मांगना चाहता है लेकिन हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या मांगा था। फिर रिले से मिलने के लिए उसी बंगले में उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और सभी दोस्त रिले से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जहाँ पर रिले उसे बताती है उस किताब के बारे में। और जब किताब पढ़कर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस किताब में काफ़ी भयानक जानकारी लिखी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है रिले के दोस्त कॉलिन को जो कि वह किताब पढ़कर काफ़ी हद तक डर जाता है। फिर हमें दिखाते हैं नोरा को जो कि एक गुफा के अंदर चली जाती है और उस गुफा में रोलैंड अभी तक जिंदा होता है क्योंकि उसने पहली बार 7 महात्माओं की बलि देकर उस बॉक्स से अमर होने का वरदान मांगा होता है। इस वजह से रोलैंड अभी तक जिंदा होता है और वह नोरा को उसी बॉक्स से हिट कर देता है। वह बॉक्स उसके पीठ में लगने की वजह से अब वो घायल हो जाती है और डीमंस उसे भी लेने पृथ्वी पर आते हैं। फिर बॉक्स का दूसरा साइज बन जाता है और बॉक्स का आकार बदलने की वजह से रिले कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो सभी लोग उस बंगले से निकलकर एक गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन किसी तरीके से जब वो लोग बंगले से निकलकर भागने लगते हैं तो गाड़ी में अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है और सीधा वह डीमंस उसी दरवाजे से निकलकर गाड़ी में आने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोगों ने नोरा को अलग अलग चैन से बांध दिया है। और चैन से बांधने के बाद पिनहेड जो डीमन में सबसे बड़ा होता है वह एक पिन निकालकर नोरा के गर्दन पर लगाता है और इस वजह से नोरा की सांस रुक जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो लोग नोरा को विष काट कर उसे अपने साथ नर्क लोग ले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यह सब देखकर रिले काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जब वो कार खोलकर देखती है तो कार में सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पड़ा होता है, वहाँ पर नोरा नहीं होती है। और तभी तीनों देखकर यह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, रिले कॉलिन और ट्रेवर। तब तीनों लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से भागते हैं। तभी रिले बॉक्स उठाकर पानी में फेंकने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर पिनहेड आता है और उससे कहता है कि अगर रिले तुमने ये बॉक्स फेंका तो तुम्हें मरना पक्का पड़ेगा। और तभी जब वह बॉक्स को उठाती है तो उसके भी पिन लग जाती है और पिन लगने की वजह से उसके हाथ से खून उस बॉक्स पर लग जाता है। और अब पिनहेड रिले से कहता है कि अगर तुमने अपने जगह किसी और को सेक्रीफाइस नहीं किया तो तुम्हारी डेथ पक्की है। यह देखकर रिले काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सभी प्लान बनाते हैं कि हम लोग घर के अंदर जाएंगे। तभी डीमंस सभी को दौड़ाने लगते हैं और सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस घर के अंदर जाने के बाद डीमंस बाहर ही रुक जाते हैं और उस रिले से कहते हैं कि तुम्हें किसी और को मारना पड़ेगा। तभी रिले उसी बॉक्स से एक डीमन को हिट कर देती है, इसकी वजह से डीमन का खून उस बॉक्स में लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि डीमंस का भी वही हाल होता है जो कि इंसानों का होता है, वो डीमंस को काट कर फिर से अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर को एक डीमन ने काट लिया है जिसकी वजह से ट्रेवर का काफ़ी ज़्यादा खून बहता है। और वहाँ पर मिलने उसे रोनाल्ड आता है। रोनाल्ड उससे कहता है कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ट्रेवर रोनाल्ड के लिए काम करता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि रिले उस बॉस को रखने के लिए जब वह जाती है तो डीमन उससे पीछा करने लगते हैं और फिर रिले एक डीमन को हिट करती है पर इस बार डीमन बच जाता है और रोनाल्ड रिले से बस बॉक्स छिना लेता है और उसके दोस्त को उस बॉक्स से हिट करता है जिसकी वजह से कॉलिन का खून उस बॉक्स पे लग जाता है। अब कॉलिन को लेने डीमन्स आते हैं और कॉलिन वहाँ से भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्ड उस बॉक्स से इस बार यह मांगना चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए और इसी वजह से वह एक करके 7 आत्माओं को मारता है। और 7वें आत्मा के बाद वह डीमंस को बुलाता है और उनसे आखिरी इच्छा मांगने के लिए हाथ जब ऊपर करता है तभी रिले आती है और उस बॉक्स को चुरा कर भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है और वह डीमन से कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन डीमन उससे कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हेल के राजा को नाराज कर दोगे और इसका तुम्हें बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलेगा। पर रोनाल्ड अपनी इच्छा से नहीं मुकरता, वह यही मांगता है। और तभी
कॉलिंस को डीमन पकड़ लेते हैं। अब कॉलिंस को जब मारने वाले होते हैं तभी अचानक आसमान से उसी बॉस का एक प्रतिबिंब गिरने लगता है और वह सीधा बंगले के ऊपर आता है। और बंगले के छत के सामने जब वह होता है तो उससे डेमेंस निकलते हैं और डेमेंस कहते हैं कि रोनाल्ड तुम्हें क्या चाहिए, और रोनाल्ड अपनी मुक्ति मांगता है। तभी वो डेमेंस उसे मुक्त कर देते हैं और उसके शरीर में जो एक मशीन लगी होती है वह निकल जाती है और रोनाल्ड का घाव ठीक होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जो कि वहाँ पर कॉलिन को डीमन चारों ओर से घेर लेते हैं और पिनहेड रोनाल्ड से कहता है कि तुमने यह अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए। पर हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्ड अपने वरदान से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह पिनहेड से कहता है कि मैंने जो भी किया वह सही किया। तभी कॉलिन्स को एक डीमन पकड़ लेता है और उसे लोहे के तार से बांध कर मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर रिले आ जाती है और वह डीमन से कहती है कि तुम लोग कॉलिन को छोड़ दो। तभी डीमन उससे कहता है अगर तुम्हें कॉलिन को बचाना है तुम्हें कॉलिन के बदले किसी और को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिले उस बॉक्स को लेकर ड्राइवर के अंदर लगा देती है, जिसकी वजह से जब ड्राइवर का खून उस बॉक्स पर लगता है तो डीमन्स कॉलिन को छोड़कर ड्राइवर के पीछे पड़ जाते हैं। अब ड्राइवर की आत्मा को लेने के लिए सभी डीमन्स आते हैं और ड्राइवर को मारकर उसकी आत्मा ले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि पिनहेड ने उसे जो चेतावनी दी थी वह सच होती है। हेल के राजा काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और रोनाल्ड को सही करने के बाद वह उसके शरीर समेत उसे आसमान में खींच लेते हैं और रोनाल्ड की इतनी दर्दनाक डेथ होती है कि क्या ही बताएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैलिन एंड रिले दोनों वहाँ पर बच जाते हैं और जब रिले कैलिन के साथ बाहर आ रही होती है तभी सारे डीमन्स आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वह रिले से भी वही सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ पर उसका भाई रिले के सामने आता है और रिले से कहता है कि रिले मुझे बचा लो, लेकिन इस बार रिले समझ जाती है कि यह सब डीमन का छलावा होता है और डीमन किसी को भी पृथ्वी पर छोड़ना नहीं चाहते। वह डीमन की टीम बनाकर पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं। इस वजह से रिले डीमन से कोई भी सौदा नहीं करती और वह उनसे सब कुछ मांगने से मना कर देती है और उस बॉक्स को उसी बंगले में छोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। और सभी डीमन्स मिलकर रोनाल्ड को भी डीमन्स बना देते हैं और रोनाल्ड को डीमन्स बनते ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।